हमारे न्यूजीलैंड में भारतीय लोगों के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसी बड़ी दुकान, एक ऐसा वेयरहाउस, गोडाउन, जो भी आप कहना चाहें, खुला है, जिसमें अगर आप आएंगे तो अभी तो 30-40% ही वो अपनी फुल पोटेंशियल का है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको घंटों लग जाएंगे, इतने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं। और इसके पीछे, मेरे पीछे जो है उनका हाथ है, इनका ख्वाब है, इनका सपना है, मिस्टर विनोद कुमार, जिन्होंने हमारी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। विनोद जी, हमारी ओर से शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना बड़ा सपना सोचा। ये सपना कब हुआ और कब साकार हो गया है, अभी बाकी है? लगभग ये 10 साल से चल रहा है और इसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी और तब से, जब से मैंने सोचा कि अब फिनिशा में जाना चाहिए और यहाँ जो ठीक से नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में मैंने देखा कि वहाँ जिस तरह चल रहे हैं, यहाँ पर लगभग कुछ भी नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो ऑफिस में हो रहा है फिनिशा के लिए, यहाँ पे हमको करना चाहिए। आई थिंक दिस इज, आपने जो सोचा वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स लाने में लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब ये पूरे पैमाने पे खुल जाएगा तो लोग देखेंगे कि उनको घर की हर एक चीज़, बच्चों के कॉट से लेकर हर एक वो चीज़ जो घर के लिए चाहिए वो मिलेगी। हाँ, सब यहाँ सब कुछ घर के लिए जो भी आपको चाहिए, आउटडोर फर्नीचर है वो भी मिलेगा आपको, जो किचन के जो माल है वो भी मिलेगा आपको, सोफ़ा चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, सभी कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। और विनोद जी, जहाँ पे ये जो आपका गोडाउन है, कह सकते हैं हम कि इतना बड़ा वेयरहाउस इनीडो का, सेंट्रल पार्क ड्राइव हेंडरसन में, जबकि नवंबर दिसंबर क्रिसमस से पहले लोग आएंगे, लेकिन अभी घर के लिए, घर बनाने की जो सोच रहे हैं वो अभी भी आके देख सकते हैं, ताकि उनको आगे की प्लानिंग के लिए पता चलेगा कि वो क्या कर सकते हैं। हाँ ज़रूर, इसमें क्या है कि अभी जैसे यहाँ जो हाउसिंग मार्केट जो है, अब क्या हो रहा है कि सब जो घर है छोटा हो रहा है, अपार्टमेंट्स वगैरह ज़्यादा बन रहा है, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज फर्नीचर भी होगा। अच्छा, तो अगर किसी को पूरा घर का कस्टमाइज फर्नीचर, जैसे पूरा फ्लोर स्पेस यूज़ करने के लिए, वी कैन मेक इट टू कस्टमाइज, जैसे आप होटल में जाते हैं तो होटल छोटा होता है लेकिन सभी कुछ फिट हो जाता है। पर दिस इज़ व्हाट वी नीड, कि ऐसा नहीं है कि आप वो सामान ले और इनकी क्वालिटी कंट्रोल, इनकी जो सामान की जो ब्रांड्स है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी नहीं, आने वाले दिनों में, हफ्तों में आप आ सकते हैं, लेकिन विनोद जी और इनकी टीम और इनके परिवार ने जो सपना देखा है, और न्यूजीलैंड के लिए गर्व की बात है कि न्यूजीलैंड में जो कोविड के बाद कहा गया कि केसेस कम हो गए, लेकिन यहाँ पर एक नई संस्था, एक नया बड़ा कारखाना, ऐसे कह सकते हैं हम, कि जो खुला है, जो लोगों को नौकरी देगा, लोगों की ज़रूरत को पूरा करेगा। सो बहुत बड़ी बात है विनोद जी, हम आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके सपने के लिए, आपने आपकी इस कोशिश के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यूं ही आप बढ़ते रहो और आपको यूं ही शक्ति मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।